नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। प्रतिशोध की आग में इंसान किस कदर अंधा हो जाता है कि उसे इंसानियत, मानवता, प्यार सब कुछ भूल जाता है, जिसके चलते वह ऐसा गुनाह कर बैठता है कि जो परिवार के साथ ही समाज को भी सोचने पर विवश कर देता है। कुछ ऐसा ही मामला सतना जिले के सभापुर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नया गांव निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपने पड़ोसी को सबक सिखाने की नीयत से उसकी 6.5 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म कर निर्मम तरीके से हत्या करते हुए शव को जंगल में फेंक दिया गया। गौरतलब है कि ग्राम नया गांव निवासी राजेश रजक को अपने पड़ोसी से इस बात को लेकर शिकायत थी कि उसका पड़ोसी अपने घर में ऐसे लोग को बिठाता है जो उसकी पत्नी से छेड़छाड़ करते हैं। केवल इस बात का सबक सिखाने के लिए राजेश रजक द्वारा अपने पड़ोसी की 6.5 वर्षीय मासूम बच्ची का बीती 17 तारीख को अपहरण कर लिया गया। आरोपी बच्ची का अपहरण करके उसे जंगल में ले गया और जंगल में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में छुपा दिया। इधर दूसरी तरफ घर में बच्ची को न पाकर पिता द्वारा थाना सभापुर में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद से लगातार पुलिस द्वारा बच्ची की तलाश की जाती रही, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। इन सबके बीच आरोपी भी लगातार बच्ची के परिजनों के साथ खोजबीन का नाटक करता रहा, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी सहित अन्य कुछ लोगों से शक के आधार पर कई बार पूछताछ की गई, जिसमें हर बार आरोपी का बयान अलग अलग होने पर पुलिस द्वारा जब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई, तब आरोपी राजेश रजक द्वारा पूरी घटना का खुलासा कर दिया गया। SDOP चित्रकूट आशीष जैन द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाएगा। थाना सभापुर अंतर्गत ग्राम नया गांव से पुलिस को एक 6 साल की बच्ची के गुमशुदा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने उसमें तत्काल धारा 363 का मुकदम दर्ज करके आवश्यक तलाशी अभियान शुरू किया और ये तलाशी अभियान हमारा 7 दिन तक लगातार चलता रहा। इस दौरान पुलिस ने जो है 3-4 संदेह चिन्हित किए थे। वो 3-4 संदेह चिन्हित करने के बाद एक मुख्य संदेह के रूप में निकल के आया था और जिसका नाम राजेश रजक है। और राजेश रजक से पुलिस ने हिकमत अमली से और कड़ाई से पूछताछ की तो राजेश रजक ने पारिवारिक विवाद के चलते उसकी जो 6 साल की बच्ची है उसकी मृत्यु करना, मृत्यु के साथ ही उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देना कबूल किया है, जिस पर से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा।